नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे लाल के बारे में जिसकी चर्चा बॉलीवुड में के साथ साथ पूरे देश में इन दिनों हो रही है। इन दिनों एक मीम्स काफ़ी चर्चा में है, देख रहे हो ना विनोद। यह विनोद का जो किरदार है, यह पंचायत वेब सीरीज 2 से निकलकर आज हमारे और आपके आसपास घूम रहा है। लोग विनोद का नाम लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि उस वेब सीरीज में विनोद के बहाने सचिव जी पर आरोप लगाया गया था। इस पूरे वेब सीरीज को देखेंगे तो समाज में लंबे समय से चली आ रही परिपाटी पर एक चोट है। इस सीरीज के हर किरदार अपने आप में अलग है। इन सभी किरदारों में विनोद भी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसी वेब सीरीज में विनोद के घर में लगने वाले टॉयलेट विकास से टूट जाता है, जिसका सपना एक लंबे समय से वो देखता रहा है। इस सीरीज में विनोद को जिस तरह से दिखाया गया है, उसका शुरुआती दिन भी इसी तरह की गरीबी के साथ गुजरा है। विनोद ने उन दिनों को भी देखा है कि कैसे दिन भर में 100 रुपये कमाने के बाद उस पैसे से घर भी चलाया जाता है और उसी पैसे से कुछ पैसे बचाकर भविष्य के लिए भी रखना होता है। विनोद के घर का नाम अशोक पाठक है। घर के लोग उन्हें अशोक के नाम से बुलाते हैं। अगर हम बिहारी भाषा में कहें तो अशोकवा के नाम से बुलाते हैं। अशोक का परिवार बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है। गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से पूरा परिवार बिहार से पलायन कर गया और वह हरियाणा के फरीदाबाद चले गए। किसी तरह से अशोक के पिताजी घर परिवार को चला रहे थे। एक तरह से कहें कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हरियाणा में ही अशोक का बचपन से बड़ा का पूरा सफ़र जो रहा, वहाँ स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई में मन कहाँ लगता था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गलत लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद उनकी कई बार डांट भी पड़ी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अशोक को यह लगने लगा कि परिवार को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने चाचा के साथ रुई बेचने का काम शुरू कर दिया। अशोक ने बताया कि वह तपती धूप में अपने चाचा के साथ रुई बेचने के लिए कई किलोमीटर तक चले जाते थे। 100 से 150 रुपये की कमाई हो पाती थी। काम के साथ अशोक ने पढ़ाई को भी जारी रखा और 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने किसी तरह से कर लिया। इस समय तक परिवार की स्थिति कुछ कुछ ठीक हो गई थी। पिताजी को जिंदल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इधर अशोक को दोस्तों ने बताया कि जीवन में आगे कुछ करना है तो ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और यहीं से शुरू होती है अशोक से विनोद बनने की पूरी कहानी। कॉलेज में आने के बाद अशोक को नॉलेज मिलने लगा। अशोक को स्कूल का सिलेबस नहीं अच्छा लगता, उन्हें कहानियां पढ़नी अच्छी लगती थी। उस समय स्कूल में कल्चरल इवेंट की शुरुआत होने वाली थी और दोस्तों ने बताया कि चलो नाटक करते हैं। फिर उन्हें नाटक में रोल मिल गया और अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्हें कई अवार्ड से उस साल जो है नवाजा गया। वो साल जो था उनका कॉलेज में पहला ही साल था। वे पूरे 3 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी के बेताज बादशाह की तरह घूमते रहे, यानी कि कई नाम, कई अवार्ड अशोक के नाम वो 3 साल में जो है उन्हें मिलते रहे। एक तरह से कह लें कि अभिनय की दुनिया में उनका पदार्पण का जो है वो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी बहुत सहयोग किया। वह अशोक को लगने लगा कि अभिनय की दुनिया में वो आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से उन्होंने NSD जाने का भी रुख किया और मन में उन्होंने ये ठान लिया कि आने वाले समय में वो NSD जा सकते हैं। लेकिन वहाँ 2 प्रयासों में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्हें और उनके गुरुजनों ने जो है, दोस्तों ने जो है उन्हें बताया कि आप जो है भारतेंदु अकेडमी में अपना दाखिला करवा सकते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं जो NSD में मिलती है वो आपको भारतेंदु अकेडमी में भी मिलने वाली है। यहाँ आपको पढ़ने के लिए फेलोशिप भी मिल जाएगा। और पढ़ाई के बाद विनोद ने मुंबई का रुख किया। तब उनके पास पैकेट में खर्च करने के लिए मात्र 40,000 रुपये थे, जो कि उन्होंने हिसार में नाटक से कमाया था। अशोक जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें विज्ञापन में काम मिलने लगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वे 1 महीने के अंदर ही लाखपति हो गए थे। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार ने एक साथ इतना पैसा कभी नहीं देखा था, वो मेरे पास था। उन्होंने कहा कि अगर आप ईमानदारी से किसी को भी काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमको मुंबई आने के बाद पैसे के लिए बहुत भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। जहां जहां ऑडिशन दिया हमको वह रोल मिलता ही गया, लेकिन अभी भी
फिल्म का इंतजार था और फिल्मी कैरियर की पहली मूवी मिली बिट्टू बॉस के रूप में। इसके बाद वेब सीरीज की शुरुआत हुई तो सबसे पहला वेब सीरीज आर्या 2 में उन्होंने काम किया, लेकिन अभी भी अशोक को बॉलीवुड में एक पहचान की ज़रूरत थी। अशोक ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उस समय तक सिर्फ ड्राइवर और मालिक का ही रोल मिल पाता था। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्मों में मेन रोल मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में अशोक के पास पंचायत के लिए रोल मिला जिसमें अशोक को विनोद बना दिया। आज अगर हर कोई किसी को तंज कसता है तो यह जरूर इस बात का जिक्र करता है कि देख रहे हो ना विनोद। अब विनोद किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अशोक ने अपने बुरे दिनों को याद करते हुए कहा कि हम मुंबई में थे तो बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, तो पंजाब इंडस्ट्री ने मुझे काम दिया और उनके ही बदौलत मेरे घर का किचन चलता था। आज बिहार का लाल अपनी अभिनय के बदौलत पूरे बॉलीवुड में लोहा मनवा रहा है। अशोक, जिसे कि हम विनोद के भी नाम से जानते हैं, उसे भोजपुरी यानी कि बिहार की भाषा उतनी ही अच्छी आती है जितनी कि उसे हरियाणवी आती है, उतनी ही अच्छी उसे पंजाबी आती है। ऐसी यही वो काम है कि यही वो उसका USP है कि अशोक कह लें या फिर विनोद कह लें, अगर बॉलीवुड में उसे काम नहीं मिला तो पंजाब के इंडस्ट्री ने जो है उसे काम दिया, उसे खूब लाड़ किया, उसे खूब प्यार दिया और उस दौरान जब वो बुरे वक्त में था तब जो है पंजाब इंडस्ट्री ने उसे काम दिया और उसका जो है किचन चलता रहा। आज यह बिहारी लाल बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग छाप के लिए जाना जाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।